आज हमने हीटर निकाल लिया। इतनी भी ठंड हो रही हीटर। अरे सुबह के टाइम लगती है थोड़ा सा सुबह के लिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है गुरुवार और जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कान्हा रेडी नहीं हुआ है क्योंकि उसकी आज है छुट्टी, लेकिन उसको फिर भी जाना है स्कूल 9 बजे क्योंकि उसकी आज है रिहर्सल, क्योंकि उसने ले रखा है एक्ट में पार्टिसिपेट, तो उसकी रिहर्सल के लिए वो 9 बजे जाएगा और खुशी हो गई है रेडी, तो जल्दी से उसको स्कूल भेजते हैं। और ठंड भी आज बहुत है। ले बैग टांग ले। क्यों वहीं पे दूँ? चल वहीं पे दूँगी। चल आ जा, तू भी आ रहा है कान्हा को खुशी को छोड़ने? चल फिर फटाफट चल। हाँ खुशी को छोड़ने जा रहे हैं वैन तक। भाई देखो यहाँ पे चूल्हे पे पानी उबाल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। देखो जूते डाले हाँ, तो शॉल तो बड़ा ही होता है, वो करेंगे ना उसको सेट। चल अच्छे से रिहर्सल करेंगे ना। हाँ ठीक है चलो बैठ, थोड़ा कान्हा को छोड़ के हम वापस जा रहे हैं। चलो जाओ बस। बाय आराम से। सो गाइस दादी जी गई कान्हा को लेने के लिए, 11:30 बज गए हैं। पूछते हैं फिर जब वो आता है कि कैसे कैसे रिहर्सल हुई, तो चलिए मैं तब तक लैपटॉप में कुछ काम करती हूँ। भगवान कत रह गए समझ नहीं आया, आधा घंटा वो भाग थी, कितना लेट क्यों हो गया बेटा? बहुत देर खड़ी हुई, रोक दिया है? चल ठीक है, मैं कहूँ भगवान कह दी हूँ फोन लेने ले जा रही, और मल को फोन ले जाने पर कान पे मैं इधी आ रू उधी जा रू, अब मल को मैं जाना पड़ोल पाव सवा पा रहे है बच्चे पौन घंटा को पूरा। तुम स्कूल तक ना आ गया? अच्छा गेट पर ठड़ी रची गाइस, देखो ये लड़का लेट हो गया तो मेरे को भी आना पड़ा, दादी तो गई साथ ही साथ मेरे को भी जाना पड़ा, और दादी फोन लेके नहीं गई, फोन लेके जाती तो मैं नहीं आती। लंच तो मैंने दिया ही नहीं था तुझको, पहले एक बार हुआ फिर लंच हुआ उसके बाद। तो क्या खाया फिर तूने? ऐसी रहा? चल कोई बात नहीं, अब खाना खाएगा। मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी है, दाल भात बनाऊं? दाल भात मेरे को नहीं खानी मेथी। कलाड भी जाने? अच्छा कॉस्ट्यूम पहन के जाने? चल ठीक है। और वो भी लेना है। क्या लेना है? क्या बोलते हैं वो भी ले जाना है, ये ड्रेस। ड्रेस भी ले जानी है? यही हाउस ड्रेस ही ले जानी है? ठीक, इसको इसमें ले जाना है थैली में। अच्छा और कपड़े पहन के जाने। और वो जो बोला था डंडी चाहिए, वो बिना डंडी के चलेगा? है वहाँ पे डंडी? अच्छा नहीं लाया तो कितने, तो तेरा करेक्टर भी है ना उसमें कि तेरे को पीछे रखा है? आगे है, आगे है ना। ठीक चल चेंज कर। तो गाइस खाना बन गया है, दाल चावल, और टाइम हो रहा है 1:30। सो गाइस लंच टाइम हो रहा है, तो चलिए लंच करते हैं। आइए खुश आएगी 2:45 तक, तो वो फिर बाद में करेगी। आ गई, कैसा रहा दिन? अच्छा अच्छा था। तुमको 8 बजे नहीं 11 बजे जाना है? तुमको 11 बजे जाना है? हाँ। अच्छा तो फिर उसको बता दिया वैन वाले को? वैन वाला 11 बजे नहीं आता आएगा, तो क्योंकि 11 बजे तो किसी कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है वैन से। तो फिर तो बोला तो होगा उसको, नहीं बोला ना। हाय फिर छोड़ के आना पड़ेगा तेरे को। हो सो गाइस मैं यूं ही छत पे और काफ़ी ठंड है भाई, आज तो मुझे हीटर निकालना पड़ेगा। मैंने सोचा था जनवरी में निकालूंगी, लेकिन दिसंबर आते आते मतलब जाते जाते ही निकालना पड़ रहा है। तो चलिए कपड़े सूखे नहीं है और मैंने यहाँ रखा हुआ है हीटर, अब ये सारा ताम झाम मुझे हटाना पड़ेगा पहले तो, है ना।
आजकल छिपकलियाँ नहीं है इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा। यहाँ बहुत सारी छिपकलियाँ होती है, बापरी। अरे जूते, तू तो अटक जा भाई। इसमें रखा, हाँ इसी में ही है, इसी में ही है। घर की बहुत सारी चीजें हो जाती है ना एक्स्ट्रा। कवर है स्कूटी का, और ये क्या है भाई, हेलमेट है, और क्या है, और चप्पल है, और इसमें होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ये रहा, दिस इज अ हीटर अपना, इसको निकालो। यही है भाई अपना सहारा ठंडियों का, और इनको इसमें डाल देती हूँ और इसे भी डाल देती हूँ, इसको भी डाल देती हूँ, और क्या था बस, और ये चप्पलें भी डाल देती हूँ, बस इसको बंद कर देती हूँ। चल वही अपनी जगह पे, दुष्ट है ये लड़के ने मेरे को पीछे डरा दिया इतनी जोर से। मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, मैं ये हीटर निकाल रही थी, हाय मेरे को झस हो गई। गाइस झस का मतलब होता है डर जाना, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ऐसे, पीछे से किसी को ढप्पा नहीं बोलते, मतलब डराते नहीं है, झस हो जाती है, नहीं गंदा होता। अभी रुकना, जाएंगे तब ले जाएंगे। गंदा क्यों होता है? इसको रख पहले नीचे। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ डर लग जाता है ना, तो वो चीज रह जाती है मन में। सो गाइस जैसे इसने मेरे को अभी धप्पा करा ना पीछे से, ऐसे जैसे हम दरवाजे के पीछे छुपे को यार, हम कैसे करते हैं, तो वो एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो धक 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 नहीं हो जाती यहाँ पे कि अरे बाप रे ये क्या हुआ एकदम से अचानक सडनली, तो वो चीज़ अंदर रह जाती है, वो डर अंदर रह जाता है, वो डर का बाहर आता है। जैसे कभी हम अंधेरे में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे यार हमारे पीछे कोई है, बार बार पीछे पीछे डर डर के जाते हैं, या फिर कोई सुनसान जगह से जाए तो ऐसा लगता है आवाज़ से आती है, तो वो डर रह जाता है अंदर। इसलिए बोलते हैं कि पीछे से ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऐसे डर रह जाता है। बहुत गंदा हो रहा है, इस पे लग रही है डस्ट, और तू उस पे चढ़ रहा है, नीचे नहीं लग रही, ऊपर से नीचे थोड़ा। चल फिर चल, हाथ पांव धो लियो लेकिन, ठीक है? हाँ मैं जरा बंद कर रही हूँ। चलिए भैया नीचे चलते हैं, कपड़े लेते हैं जो जो सूख गए अपने। चलो अच्छा, हीटर आज हमने हीटर निकाल लिया, इतनी भी ठंड हो रही हीटर। अरे सुबह के टाइम लगती है थोड़ा सा, सुबह के लिए बस, दिन में तो ऊपर जाना होता है। अरे इसको खोल यार, मेरे हाथ में लग रही है, आराम से खोल, फाड़ दे, आराम से निकाल बेटा। हो गया, टेप भी तो है, तो इधर से निकाल अच्छे साइड से, हाथ में तेरे ही लगेगी, वो बहुत सख्त है वो ना, टेप बहुत आंगू काट दे लू, टाइट था टेप। हाँ अब इधर से खोल दे बस, ये ले। अरे छिपा, अरे हो छिपाड़ देनी चाहिए नहीं मैं, मतलब ध्यान नहीं धारा, इसमें छिपकली हो सकती है शायद, उस लुकी रहने ना, लुकी हो तो सरबर सरबर आन पे भैया। खुशी कर भैजी बिहार, निकाला था हाँ, इसको हाँ उन्हें करो, निकल गया हीटर बाहर। एक कपड़ा लगा दो बाबू, इसको डस्ट हो रहा है इस पे, डस्ट साफ करने के लिए। सो गाइस टाइम हो गया है 9, और सोनी तैयारी हो रही है, खाना वाना हो चुका है, और जैसे कि आपको मालूम ही है कि कल कान्हा का है एक्ट, तो देखते हैं कल कान्हा एक्ट में क्या करता है। मुझसे बोला है कि मम्मी आप लोग जल्दी आना, मेरा एक्ट मिस मत करना, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा,
तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। आज जल्दी सो रहे, जल्दी उठेंगे, जल्दी काम करेंगे, फिर जल्दी जल्दी जाएंगे। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाए। सो गाइज, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।